तमाम दोस्तों क्या हाल है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ शफीक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शफीक बहावलपुरी। और आज फिर से क्रिकेट फेवर शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान की और पाकिस्तान इंग्लैंड की टीमें आज पहले टी20 मैच में टकराएंगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छे फाइट बैक करेगा इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों बड़े टफ नंबर लें आज प्रेडिक्शन है, इंग्लैंड की टीम भी इनफॉर्म है और पाकिस्तान की टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया रिसेंटली एशिया कप में। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान टीम में तीन तब्दीलियाँ की जानी हैं आज, तीन चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तान की टीम में। मोहम्मद रिजवान आज अवेलेबल नहीं होंगे, फखर जमान अवेलेबल नहीं है और इफ्तखार अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह पर शान मसूद, हैदर अली और प्लेयर को इस्तेमाल किया गया है जो यहाँ पे खेलेंगे। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे जो है पब्लिक की तरफ की जा रही है पाकिस्तान तरफ से। बाबर आजम ने अच्छी पेशनगोई की है कि हम इंशाल्लाह ये सीरीज जीतेंगे और वर्ल्ड टी20 कप 2022 में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड के टीम के जो मरकजी स्टार हैं वो जोस बटलर होंगे और वो नर्चिंग प्लेयर हैं और मोस्ट टैलेंटेड और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की जो तमाम उम्मीदें हैं इस वक्त बाबर आजम, हैदर अली और आसिफ अली और मोहम्मद नवाज़ ये बैटिंग लाइन में, शादाब खान भी पाकिस्तान की तरफ से आज मिसिंग में हैं। और हैदर अली से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, अभी रिसेंटली उन्होंने ये जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से रन्स भी किए हैं और परफॉर्म किया हर लिहाज से एक परफेक्ट बैट्समैन की तरह। तो सेकंड जो है पाकिस्तान की बॉलिंग डेप्थ में हारिस राउत, नसीम पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड और तीन पेसर्स मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग जो है हैदर अली, बाबर आजम आज बड़े पूर उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है वो कम बैक करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे बैटिंग में, जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं हमेशा की तरह उनसे होती हैं, इंशाल्लाह वो आज उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त कम्पटिशन इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। इंग्लैंड की टीम भी बड़ी फॉर्म में है, जो बटलर है उनके साथ आज मॉर्गन जो पहला टूर्नामेंट है पाकिस्तान इंग्लैंड का, तो मॉर्गन मिसिंग है उसमें, वो नज़र नहीं आएंगे, रिटायर हो चुकी हैं। तो और भी उनकी साइड बड़ी बैलेंस साइड है, बैलेंस बॉलिंग लाइन भी बड़ी डेप्थ है। तो इंशाल्लाह होप बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम और ये दुआ करें यार, मेरा बेटा यान जो है बहुत जज्बाती है, वो पाकिस्तान और इंग्लैंड या पाकिस्तान को भी मैच डिफीट होता है किसी से हाथ है तो वो बड़ा बहुत ब्लेस होता है। तो और रोता भी रहता, फाइनल में भी वो तकरीबन 2-3 घंटे रात तक रोता रहा था, 2-3 बजे तक। तो दुआ करें कि पाकिस्तान विन करे, आज सुबह से एक्साइटेड है थोड़ा सा, उसको फीवर भी था, बुखार भी है तो इस वजह से वो आज स्कूल भी नहीं गया, लेकिन जब से उसको आज पता चला है कि पाकिस्तान इंग्लैंड का टी20 भी है तो वो उसका बुखार भी ख़त्म, उसकी सारी एक्साइटमेंट भी वापस आ गई है मैचों की जो होती थी, तो बड़ा खुश है, एक्साइटेड है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ओ बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम, बेस्ट विशेस फॉर आवर पाकिस्तानी प्लेयर्स, ऑल द प्रेयर्स एंड बिलियंस ऑफ बेस्ट विशेस फॉर आवर टीम विन दिस टूर्नामेंट, विन दिस टी20, ऑल्सो विन दिस ऑल द सीरीज अगेंस्ट इंडिया इंग्लैंड एंड ऑल्सो विन द वर्ल्ड कप टी20। आप सब लोगों का ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, जितने के परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं सब और बड़े अच्छा सेट है, यूनिक कम्बिनेशन है। तो ये सब दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के लिए। और आप जो हैं थोड़ा सा मायूस ना हुआ करें, पाकिस्तान अगर हार भी जाता है तो यार वो कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये लफ्ज़ आप याद किया करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म किया करेगी। तो आप सब की दुआओं का और आप सब की मेहनतों का, आप सब की बेस्ट विशेस का मैं मुंतज़िर रहूँगा और पाकिस्तान टीम के लिए अल्लाह ताला उनको विक्ट्री दिलाएगा।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, उस पर ऑल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, इससे यह है कि हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। मिलते हैं जी आगे मैच का भी व्लॉग बनाएंगे हम रात को, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सिर्फ आपके यार प्यार मोहब्बत और शुरूज का हमें ज़रूरत है जिससे हमारी हौसला अफजाई भी होती रहती है और हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। चलिए तब पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के दौरान व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।